तो ऐसा कहते हैं कि एक बार नारद ने काम को ही जीत लिया, काम माने संसार को जीत लिया, काम माने पदार्थों के सत्य को समझ लिया, काम का अर्थ इसके परिणाम को समझ लिया, और परिणाम समझ लिया जाए, पदार्थ के सत्य को समझ लिया जाए, तो फिर काम नहीं रहता, काम करते ऐश्नाएं नहीं रहेंगी, फिर आसक्ति नहीं रहेगी, फिर प्रियता की चाह नहीं रहती, तो इसका अर्थ है फिर आप फीके से हो जाएंगे धारा, ऐसा नहीं है। सत्यानुभूत हो जाएंगे आप, सत्य अनुभूत हो जाएगा आपको, काम को परास्त देखकर, काम को चरणों में गिरा हुआ देखकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। कभी कभी को उपलब्धि अपने परिजन पुरजनों के साथ बांटने का मन करता है, अपनी कृति, अपनी रचना, अपना सृजन। ये लेखकों में, कवियों में बात देखी गई, एक कविता लिखने के बाद मन करता कुछ सुन ले, ये अपनी कृति, अपनी रचना, आपकी कोई उपलब्धि, कोई क्रिएटिविटी आपकी, तब तक चैन नहीं पड़ता उस क्रिएशन को कोई देख न ले। आपकी उपलब्धि, आपकी सिद्धियां, आपकी कोई एक बड़ी महती विभूति, ये स्वाभाविक आकांक्षा रहती है। काम को जीतकर नारद आनंदित हुए। ब्रह्मा ने संकेत से मना किया कि पुत्र महादेव के पास मत जाना। काम जय होने के बाद, काम जीत लिया गया है, इस जय का गोपन रखो। दूसरों को अनुभव करने दो। जब काम जीत लिया गया है तो उनके पिता ब्रह्मा ने संकेत दिया कि महादेव के पास मत जाना, महादेव कामारे हैं, मनोज नशावन, वो काम को ठहरने देते, कामारे काम के वो शत्रु हैं, और काम वह भस्म भी हो जाता है। तृतीय नेत्र है उनके पास, तो उसमें काम रहता कहाँ है। तृतीय नेत्र माने ज्ञान का नेत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वरधनम। लेकिन महादेव के पास पहुंचे नारद, और महादेव ने बड़ा आदर किया नारद का। बस यहीं से हमारा पतन आरंभ होता है। ज्येष्ठ जन हमारा आदर करें, हमारी प्रशंसा करें, हमें उच्च आसन पर बैठाएं, ये हमारे पतन का कारण है। इसे ज्येष्ठ जनों से आदर नहीं लेना चाहिए, महज्जनों से, पूज्य पुरुषों से, जो मान्य पुरुष हैं उनके आदर से बचना चाहिए। महादेव ने बड़ा आदर किया, लेकिन महादेव ने एक और बात कह दी कि आपने काम जीत लिया है, आपके पिता को पता लग गया और मुझे भी ज्ञात हो गया है, पर यह भनक नारायण तक न चली जाए, और मैं आपके भीतर में देख रहा हूं ये एक कुल बुलाहट, ये आप महादेव तक बताने जा रहे हैं इस बात को कि देखा हमने काम जीत लिया, अब मुझ में कोई ऐषणा नहीं रहती। ऐषणाएं तीन ही हैं, कौन कौन सी? वित्तीय ऐषणा, एक तो धन बहुत मिले, पुत्र ऐषणा यानी हमारी संतति हो, तीसरी लोकेषणा संसार हमारी प्रशंसा करे, इसी को तो काम कहेंगे। अरे नारद बताना मत कि आपने ऐषणाएं जीत ली हैं, काम को जीत लिया है। बार बार विनवों मुनि तो ही।